क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 to power 0 जो होगा वो 1 हो जाएगा, और प्लस 3 to power minus 1 जो होगा वो 1/3 हो जाएगा, और ये नीचे भी 1/3 माइनस 3 to power 0 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/3 upon -2/3। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 2।